Assalamu alaikum friends, how are you? Welcome to our channel. I am Vikramullah Bangash. Dosto, aaj hamara topic hai passive voice with tenses voice. Ab dosto, ye jo aap tasveer dekh sakte hai, to isme humne tenses voice passive voice kar liya hai. To ab dekhe dosto, pehle humne हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मेथड कैसा है अब देखिए. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर को हम बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और फिर हम इसके बाद मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, अ लेटर इज रिटन, एक खत लिखा जाता है. तो अब इसमें देखे, पहले हमने सब्जेक्ट लगाया है लेटर, हमारे पास सब्जेक्ट है. फिर हमने इज लगाया है बतौर हेल्पिंग वर्ब और फिर हमने रिटन, रिटन हमारे पास मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है. तो अब दूसरे नंबर एग्जांपल को देखे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वाज वर लगाते हैं और फिर इसके पास हम मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, अ लेटर वाज रिटन, एक खत लिखा गया. अब देखिए, इसमें लेटर जो है सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है हमने इस्तेमाल किया और रिटन हमारे पास मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है. अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम शैल बी विल बी को हम बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और फिर हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ लेटर विल बी रिटन. अब देखे, हमने पहले लेटर लिखा है, लेटर हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर हमने विल बी लगाया है. विल बी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है जैसे कि हम पढ़ चुके हैं. अब रिटन हमारे पास मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है. अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को आप देखे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग को हम बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और फिर हम मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ लेटर इज बीइंग रिटन. अब देखे दोस्तों, लेटर सब्जेक्ट, फिर हमने क्या किया, इज बीइंग हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया और फिर हमने मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया. अब तो फिफ्थ नंबर एग्जांपल को देखे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को. पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम वाज बीइंग, वर्ब बीइंग बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और फिर हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ लेटर वाज बीइंग रिटन, एक खत लिखा जा रहा था. अब देखे, वाज बीइंग, पहले हमने क्या किया है, अ लेटर, लेटर हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर हमने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है वाज बीइंग और फिर हमने मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया है रिटन. तो इसका मतलब एक खत लेकर जा रहा था. अब प्रेजेंट परफेक्ट को देखें, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन, हैव बीन हम बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और फिर हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ लेटर हैज बीन रिटन, एक खत लिखा जा लिखा गया या एक खत लिखा जा चुका है. अब देखिए इसमें दोस्तों, अब लेटर सब्जेक्ट है, हैज बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और फिर हमने मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया है जैसे कि रिटन. अब सेवन को देखिए, पास्ट परफेक्ट को. पास्ट परफेक्ट में हम हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं और फिर हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ लेटर हैड बीन रिटन. अब इस जुमले में आप गौर से देखें, हमने पहले लेटर लिखा है, लेटर हमारे पास सब्जेक्ट है, हैड बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस में और फिर हम मेन वर्ब का हफ्ता हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया है रिटन, रिटन हमारे पास मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है. अब फ्यूचर को देखें, फ्यूचर परफेक्ट को. फ्यूचर परफेक्ट में हम शैल हैव बीन, विल हैव बीन बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और मेन वर्ब का हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, अ लेटर विल हैव बीन रिटन, एक खत लिखा जा चुका होगा. अब देखिए, पहले हमने लेटर हमारे पास सब्जेक्ट है, विल हैव बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और फिर हमने क्या किया है, रिटन मेन वर्ब का हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया है. तो दोस्तों, ये बहुत बिल्कुल आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप ये कर सकते हैं. बस आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को याद कर लेना है. जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब याद कर लेंगे तो आप आसानी से पैसिव वॉइस का जुमले बना सकते हो. तो दोस्तों, ये आज का हमारा टॉपिक था,
Thanks for watching our video. Khuda hafiz.